प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। जीवन जल कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। पिछले सत्रों में हमने कई गंभीर विषयों के ऊपर, व्यवहारिक विषयों के ऊपर मनन किया और चर्चा की। आज एक ऐसे ही गंभीर विषय के ऊपर कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक रात, जिस रात में ऐसे कई घटनाएं घटी, हमारे जीवन में कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि एक रात में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग घटनाओं को हम देखते हैं। वो रात किसी व्यक्ति से, आम व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं, वो रात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आखिरी समय से जुड़ी हुई रात है। आइए उस रात को हम थोड़ा करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे। पहली कुरिन्थियों की पत्री 11:23-25। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रात के कई पहलू है। यहाँ पर हम इस वचन में पाते हैं कि इस रात को धन्यवाद की रात प्रभु यीशु मसीह ने बना दी है। इस रात के बाद कुछ ही घंटों में प्रभु यीशु मसीह सूली पर अर्पण होने वाले हैं। एक गंभीर बात, वेदनादायी बात उनके जीवन में होने जा रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब है, तब एक अलग बात करते हुए हम उनको देखते हैं। कोई भी दुख, कोई निराशा उनके व्यवहारों में हम नहीं देखते, बल्कि हम वहाँ पर पाते हैं कि फसह के रात के दिन जो भोजन किया जा रहा है, उस भोजन के वक्त प्रभु यीशु मसीह बहुत आदर के साथ धन्यवाद देते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद परमेश्वर को दिया है। उन्हें मालूम है यह रोटी उनके देह का चित्र या देह का प्रतीक है, जो देह कुछ घंटों के बाद सूली पर अर्पण होने वाला है, जो देह कुछ घंटों के बाद मनुष्य के निंदा के लिए सौंपा जाने वाला है, वो देह कुछ घंटों के बाद उसे कुचला जाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को जानते हुए रोटी तोड़कर अपने चेलों को देते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में भी हमने कई बार धन्यवाद दिए होंगे, धन्यवाद किए होंगे, लेकिन हमने किस समय और कौन से वक्त में धन्यवाद किया है? जब हमारे जीवन में
बहुत ही आनंद के क्षण होते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसके लिए हम प्रार्थना करते थे, जिसके लिए हम प्रतीक्षा करते थे, ऐसे वक्त, आनंद के वक्त हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे समय पर धन्यवाद देते हैं जब उन्हें मौत के हवाले कुछ घंटों के बाद जाना है। उन्हें मालूम है उनका आगमन इसीलिए हुआ है। उनके सामने एक आनंद था, वचन में लिखा है कि उसके सामने एक आनंद रखा था। कौन सा आनंद था? कोड़े खाने में, अपने हाथ और पाँव में कीले लेने के, अपने सर पर कांटों का ताज पहनने में कौन सा आनंद था? इन सभी वेदनाओं के पीछे उनके सामने एक लक्ष्य था, वो है पापी लोगों का उद्धार। मेरा और आपका उद्धार उनके सामने है और उस उद्धार में उनका आनंद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस वेदना भरी रात में रोटी तोड़ते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस रात का पहला पहलू हम यहाँ पर देखते हैं कि वो धन्यवाद की रात प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को बनाया है। बाद में 25वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। कटोरा लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर जो लहू बहाने वाले हैं, नियम शास्त्र के अनुसार पाप लहू के द्वारा ही धुलने वाले हैं, और एक ऐसा लहू परमेश्वर को चाहिए था जो सारे मनुष्य जाति के पापों को हमेशा के लिए मिटा दे। जानवरों के लहू बहाने से परमेश्वर उब गया था, इसलिए एक ऐसे लहू की ज़रूरत थी, और वो लहू केवल पुत्र के पास था। और प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए लहू बहाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, और इस रात प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे को उठाकर धन्यवाद देते हैं, मानो अपने लहू बहाने के कार्य के प्रति वो आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे लहू के द्वारा आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी के पाप धुल जाने वाले हैं, इसके लिए प्रभु आनंद से इस रात रोटी और कटोरे को लेकर धन्यवाद देते हैं। हाँ भाइयों, यह रात धन्यवाद की रात हमें दिखाई देती है। आगे जाकर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 38वां वचन। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। धन्यवाद की रात के बाद प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमन बाग में आया है और वहाँ पर प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, और वहाँ पर शिष्यों से कहते हैं कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो वेदना की रात थी। गेत्सेमन बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस वेदना से, इस वेदने के कटोरे को अगर तेरी इच्छा है तो दूर कर। मनुष्य के पापों का बोझ में प्रभु यीशु मसीह दब गया है, इतना कि उस वेदना का परिणाम उसका पसीना लहू के समान बन गया है। मनुष्य के बुद्धि से परे प्रभु की ये वेदना है। हम मनुष्य इस वेदना को मानवीय भाषा में प्रकट नहीं कर पाते, प्रकट कर नहीं पाएंगे। लहू के समान पसीना ये कब निकलता है? मेडिकल साइंस इतना ही कहता है कि शरीर में, भावनाओं में, मन में इतना तनाव निर्माण होता है, उस तनाव का परिणाम लहू पसीने के स्वरूप में बाहर आता है, या लहू के कुछ अंश पसीने के द्वारा बाहर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य के पाप के बोझ से इतना तनावग्रस्त था कि उसका पसीना लहू के समान बन गया। कोई मनुष्य इस दर्द को समझ नहीं सकता, और वो रात प्रभु यीशु मसीह के लिए भयंकर दर्द की रात थी। हम वहाँ पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और एक देवदूत आया, और दूत ने आकर उसे शक्ति प्रदान की। हाँ भाइयों, वो रात बहुत ही दर्द की रात थी। हमारे पाप के बोझ से असहाय दर्द प्रभु यीशु मसीह उस रात अकेले सहन कर रहा था। तीसरी बात, तीसरा पहलू हम इस रात के विषय में देखते हैं, 26वां अध्याय 39वां वचन। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए,
प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में जब सेवा कर रहे थे, पूर्ण मनुष्य थे और पूर्ण परमेश्वर थे, और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य है। और यहाँ पर उनके मनुष्यत्व का और एक पहलू हम देखते हैं। मनुष्य के पाप का बोझ और उसका दर्द इतना भारी था कि प्रभु ने प्रार्थना की कि यह दर्द का कटोरा अगर हो सके तो मुझसे दूर कर। प्रभु उस दर्द के लिए आया है, प्रभु उस क्रूस की मृत्यु को सहन करने के लिए आया है, लेकिन वो दर्द कितना भयंकर है। एक सेवक ने ऐसे कहा, कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों का बोझ उठाने से पहले प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमन में हमारे पापों के बोझ को उठा रहा था, और वो दर्द कितना भारी है हम इसको देखते। एक संघर्ष उसके अंदर चल रहा है, और इसलिए उस संघर्ष में प्रभु पिता के पास प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा तुम उससे दूर कर। भाइयों, वो केवल दर्द की रात नहीं थी, वो एक संघर्ष की रात थी। प्रभु यीशु मसीह का एक गहरा संघर्ष खुद से वहाँ पर हो रहा है, हम वो देखते हैं। चौथी बात, उस रात का एक अलग पहलू हम यहाँ पर देखते हैं, उसका 49वां वचन। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यहूदा के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। मनुष्य के इतिहास में हमने ऐसे कई बंड और ऐसे कई बलवे देखे हैं जहाँ पर मनुष्य ने मनुष्य को धोखा दिया है, फरेब किया है। इतिहास में ये सबसे बड़ा फरेब हम मान सकते हैं, परमेश्वर के साथ मनुष्य ने किया हुआ फरेब। जिसके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरने जा रहे हैं, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को धोखा देकर पकड़वा रहा है, और वहाँ आकर वो चूमता है, उसे पैसे दे गए हैं, और वो कहता है, जिस व्यक्ति को मैं चूमूंगा वही प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे उनसे कहा, तू मनुष्य के पुत्र को चूमकर पकड़वा दे रहा है क्या? प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया गया। और इस एक और एक महत्वपूर्ण बात हम इस फरेब में या धोखे में देखते हैं, कई बार मनुष्य के साथ धोखा तब होता है क्योंकि मनुष्य इन धोखों से और दगाबाजों से अनजान होता है, हम ज्ञानी नहीं है इसीलिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, परमेश्वर होने के साथ परिपूर्ण मनुष्य है, और वो पूरा अधिकार रखता है उस धोखे के विषय में जानकारी प्राप्त करने की। प्रभु यीशु मसीह जानता है कैसे मुझे वो धोखा देने वाला है, कौन मुझे धोखा देने वाला है और क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह इस धोखे के रात में बहुत ही धैर्य के साथ वहाँ पर पिता के सामने हमें प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए फरेब और धोखे की रात को हम देखते हैं। कई अलग अलग पहलू इस रात के हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न पहलू ये रात हमें दिखाती है, और इस रात का एक ही केंद्र स्थान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जितनी भी भिन्न बातें इस रात में होती है वो केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। धोखा हो, उपकार स्तवन हो, संघर्ष हो, दर्द हो, सब बातें प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई दिखाई देती है। और एक बात हम यहाँ पर देखते हैं आगे जाकर, जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे लिए प्राण भी दे दूंगा, लेकिन प्रभु ने कहा, क्या तू मेरे लिए प्राण दे देगा? आज ही रात तू मुझे इनकार करेगा, मुझे पहचानने से इनकार करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा सिपाहियों ने, और पतरस प्रभु यीशु मसीह और सिपाहियों के पीछे पीछे दूर से चल रहा है, कई लोगों ने पतरस को पूछा, ये तो गालिली दिख रहा है, ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला शिष्य है। पतरस ने बहुत बुरी तरह से इस बात का इनकार किया है। प्रभु यीशु मसीह को दर्द तब हुआ, मैं कहता हूँ कोड़ों से और कीलों से जितना दर्द नहीं हुआ, उतना दर्द पतरस के इनकार से हुआ है। जब अपने लोग हमें पहचानने के लिए इनकार कर देते, बहुत बड़ा दर्द हमारे आत्मा पर, हमारे प्राण पर होता है। उस दर्द के निशान,
उस घाव के निशान तो मिट जाते हैं, लेकिन दर्द कायम रहता है। प्रभु यीशु मसीह को सबसे चुभने वाला यह दर्द था कि तू मुझे इनकार करेगा, तू मुझे पहचानने से इनकार करेगा। यूहन्ना ने इस बात को लिखा है, वो अपनों के पास गया लेकिन अपनों ने उसे पहचानने के लिए इनकार कर दिया। ये रात इनकार की रात थी। आगे जाकर और एक पहलू हम इस रात के विषय में देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ा और कहीं रोमी अधिकारियों के पास उसे लेके गए, याजक के पास लेके गए, हेरोद के पास लेके गए, पिलातुस के पास लेके गए, और ये जो पूरी यात्रा चल रही थी, यात्रा के बीच में कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि कहीं चमकीले वस्त्र उसे इसलिए पहनाए गए कि हम उसकी निंदा कर सके। उसे कहा गया कि तू चमत्कार करके दिखा, उसके आँखों पर पट्टी बांधी गई, उसे मारा और पूछा गया कि बोल अपने अंतर्ज्ञान से कि तुझे किसने मारा है, तू अगर संदेष्टा है तो तू हमें बता दे। और ऐसे कहीं निंदाजनक शब्दों का और उपमाओं का उपयोग किया गया प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने के लिए। इन सब बातों में, कई वचनों में हम उस बातों को पढ़ते हैं और बहुत ही गंभीर रीति से प्रभु यीशु मसीह की निंदा रोमियों ने और यहूदियों ने पूरी तरह से की है। उसके कपड़े फाड़े गए, कपड़े फाड़ने से पहले उस मुंह पर थूका गया। जो एक में उसके पास वस्त्र था, अपने खुद की अमानत थी, उसे भी उन लोगों ने छीन लिया। ऐसी कई बातें प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उन्होंने की। उद्देश्य एक ही था कि उसका उपहास किया जाए, उसकी निंदा की जाए। हाँ भाइयों, हम देखते हैं कि यह रात भयंकर रात थी और इस रात में प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही कुछ घटा है। रात के कई अलग अलग पहलू को हमने देखा है। पहला पहलू हमने देखा कि वो धन्यवाद की रात थी। दूसरी बात हमने देखी कि वो दर्द की रात थी। तीसरी बात, वो प्रभु यीशु मसीह की आपसी संघर्ष की रात थी। फरेब या धोखे की वो रात थी। इनकार की रात थी। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। और आखिरी बात हम देख रहे थे कि वो निंदा और उपहास की रात थी। इस रात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने जो कार्य निश्चित किया है, उस कार्य को निश्चित करने के लिए बहुत ही शांति से, बहुत ही संयम के साथ मनुष्य के सब उपहास, निंदा और दंड को सहते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। और आखिर में कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किया गया, प्रभु यीशु मसीह को खिलों के साथ जखड़ा गया। हम देखते हैं उसके लहू को बहाया गया, उसके शरीर पर कोड़े लगाए गए। इन सभी बातें पिता के अधीनता में, पिता के नियंत्रण में पूरी हो गई और मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित का एकमात्र कार्य जो पिता ने नियोजित किया था वो पूरा होते हुए हम देखते हैं। हम धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए और पिता के इस महान कार्य के लिए कि अपने पुत्र को अर्पण कर अपने पुत्र की निंदा कर अपने पुत्र को दर्द देकर, अपने पुत्र को वेदना देकर, अपने पुत्र को सभी प्रकार के बातों का अनुभव देकर हमारे पाप का पूरा प्रायश्चित उससे वसूल किया। इसलिए आज हम धन्यवाद के साथ उठकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। आज हम पूरे पाप से मुक्त होकर उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए और पिता के उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें और हमारे जीवन के इस यात्रा में हम ये हमेशा स्मरण रखें कि सूली पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस रात किस वेदना से, किस दर्द से और किस संघर्ष से गुजरे हैं। इस बात का ध्यान करते हुए आने वाले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा और आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए धन्यवाद के साथ इस सत्र को भी हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हमने कई विचारों को देखा और एक गंभीर पहलू को हम देख रहे थे, जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा गया, जिस रात प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया गया, जिस रात चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा, जिस रात पतरस ने इनकार कर दिया,
जिस रात यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा, ऐसी कही बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को काफ़ी दर्द, काफ़ी वेदना उस रात हुई। हमने देखा कि उस रात उसका पसीना लहू के समान बह रहा था, गिर रहा था। हमने देखा कि लोगों ने उसकी निंदा की, उसका उपहास किया। ये रात भयंकर थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस रात के समय और इस दर्द और संघर्ष के समय में हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही शांत रीति से और बहुत ही संयमी रीति से इस रात का सामना करते हुए देखते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए आप हमें भी सहायता कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रसंग आएंगे, दर्द के प्रसंग आएंगे, संघर्ष के प्रसंग आएंगे, निंदा और उपहास के प्रसंग आएंगे। ऐसे प्रसंग में, ऐसे माहौल में हमें क्या करना है, हमें कैसे इस समस्या का सामना करना है, इसका उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने आपने रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दिए गए उस समय के लिए और सुंदर विचारों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनो और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422 1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।